इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं, एक बार फिर आपके साथ रूबरू हैं तीन टॉपिक्स को लेकर। तीन टॉपिक्स पर हम आपके साथ आज गुफ्तगू करेंगे। पहला टॉपिक है भगवा झंडा, बताएंगे कि भगवा झंडा के बारे में हम क्या बात करेंगे। दूसरा टॉपिक चर्चा का विषय है, वो है जमाती तबलीगियों का प्लाज्मा, जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक रहेगा डॉक्टर संबित पात्रा, यानी कि डॉक्टर संबित पात्रा के बारे में भी आज इस वीडियो में बात की जाएगी। तो चलिए पहले टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। हमने आपसे बात की भगवे झंडे की। भगवा झंडा हम जानते हैं किस पार्टी को बिलोंग करता है या किस ग्रुप को, किस सेगमेंट को ये बिलोंग करता है। अपने अपने सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, इससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, हमें आपको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज़ का यूज़ किसी निगेटिविटी के लिए किया जाए या डिवीज़न के लिए किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती है। जब से जमाती तबलीगियों का मामला सामने आया है, जब से मुस्लिम्स के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रेजुडाइस का मामला भी सामने आया है, कई जगह से ऐसे केसेस रिपोर्ट्स किए गए हैं जहां पर ये भेदभाव देखा गया है। पहले दिल्ली में कई जगह पे हमने देखा कि युवा जो लड़के थे वो किस तरीके से सब्जी वाले और फल वालों की रेड़ियों पर भगवा झंडे लगा रहे थे, यानी कि जो लोग फल या वेजिटेबल्स खरीदे वो इनसे ही खरीदें। अब ये खबरें बढ़ने लगी हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी हैं, चाहे हम बात कर लें बिहार की, चाहे हम बात कर लें लखनऊ की। लखनऊ से खबर आ रही है कि लखनऊ में एक सब्जी वाले ने क्लिक को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने बताया है कि लोग उससे आधार कार्ड मांग रहे हैं, लोग उससे पूछ रहे हैं कि उसका क्या नाम है। वहीं एक खबर बिहार से आ रही है, बिहार शरीफ से आ रही है, जहाँ पर यूथ विंग, यानी कि मैं उस दल का नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगा लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस यूथ विंग की बात कर रहा हूँ, एक बड़े संगठन के यूथ विंग के लोग सब्जी वालों के रेड़ियों पर झंडे लगा रहे थे। मतलब साफ ये था लोगों से कि लोग जो भी सब्जियाँ खरीदनी हैं या जो भी फल खरीदने हैं वो इन लोगों से खरीदे जाएँ। सोचकर बड़ा अचंभा होता है कि जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश कोरोना वायरस के आउटब्रेक से लड़ रहा है तो उस वक़्त भी इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये बेहद शर्मसार करने वाली बातें हैं जो हिंदुस्तान को शर्मसार करती हैं, जहां पर एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ब्रदरहुड का नारा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, वहीं मोहन भागवत साहब भी ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी एक कम्युनिटी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो अब ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये लोग फिर अगर अपने देश के प्रधानमंत्री की नहीं मांग रहे हैं या संघ के हेड की बात, चीफ की बात नहीं मांग रहे हैं तो फिर ये किसकी बात मानेंगे। पहुँचते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। वो खबर बहुत आम है, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी तबलीगी जमातियों से लेकर के, तबलीगी जमातियों के प्लाज्मा पे लेकर हमने ये वीडियो बनाई थी। आज फिर से हम उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पहले कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने पहल की थी कि वो अपना प्लाज्मा देंगे। इस वीडियो में आपको कुछ बताना भी है और एक सवाल भी करना है। सवाल उन भक्तों से करना है कि जो भक्त जमातियों को बुरा कह रहे थे, जो जमातियों को डिफेम कर रहे थे, जमातियों के आड़ में सारे मुसलमानों को बुरा कह रहे थे, तो उनसे एक सवाल है कि अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को अगर कोरोना वायरस हो जाता है, अगर वो COVID-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो क्या वो तबलीगी जमात के लोगों का प्लाज्मा लेंगे? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ या ना करके ही बताइएगा कि आप लेंगे क्या नहीं लेंगे। ये सवाल उन पूरे भक्तों के लिए हैं या पूरे उन लोगों के लिए हैं जो डिफेम कर रहे थे तबलीगी जमात को। और आज देखिए प्रभु की लीला कि जिन लोगों को डिफेम किया जा रहा था, आज उन्हीं से आपकी मदद भी हो सकती है। और 300 से ज़्यादा जमाती जो थे उन्होंने अपना जो प्लाज्मा है उसको डोनेट किया है। वो इसलिए डोनेट किया है कि अगर फ्यूचर में उनके प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है COVID-19 के पेशेंट को क्योर करने के लिए, तो उनका प्लाज्मा काम में आ जाए। तीसरी खबर की तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा की हम बात करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा को कौन नहीं जानता, हर एक इंसान इनको जानता है और इनके क्या काम है और इनकी जो बोली है उस वजह से इनको ज़्यादा जाना जाता है। एक न्यूज़ आज तक ने ट्वीट की थी,
उसमें लिखा था कि जमातियों पर आरोप है कि बिरयानी ना मिलने की वजह से इन्होंने वार्ड बॉय को पीट डाला। उसी न्यूज़ पे लिखते हुए समित पात्रा ने लिखा है कि बिरयानी ना मिलने की वजह से जमातियों ने एक वार्ड बॉय को पीट डाला। देखिए, जो चैनल इस न्यूज़ को पब्लिश कर रहा है वो लिख रहा है कि आरोप है, और यहाँ पे समित पात्रा डायरेक्ट जो है ये आरोप को सिद्ध कर दे रहे हैं। तो आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचते लिखने से पहले कि आपके इन बातों का असर क्या जा रहा होगा। इससे पहले भी कितनी ही डिबेट्स में आप गए हैं, एक डिबेट्स में दो तस्वीरें दिखाई जा रही थी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ एक मुस्लिम होटल का बोर्ड लगा है और उसके बराबर VHP का बोर्ड लगा है कि सब्जी वेंडर्स के नीचे लिखा है कि ये VHP से अनुमित दुकान है, यहाँ से आप फल खरीद सकते हैं। तो ये समित पात्रा ने डिवीज़न किया, इसमें एक फ़ोटो दिखाया मुस्लिम होटल, यानी कि वही दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अगर हिंदुओं के अलग दुकानें हैं तो मुसलमानों की भी अलग दुकानें हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम्स होटल्स कब से लिखा हुआ है, क्या ये अभी भी हम कहीं जाते हैं या पुरानी दिल्ली ही चले जाते हैं हम या हैदराबाद के किसी होटल में, तो मुस्लिम होटल एक लिखा होता है। ये कोरोना वायरस के बाद ये डिवीज़न नहीं हुआ है। तो बस मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ या मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपके प्रधानमंत्री, आप BJP के ही हैं, आप BJP के सीनियर प्रवक्ता हैं, आपका प्रधानमंत्री इस वक्त अपील कर रहा है कि इस बुरे माहौल में आप ब्रदरहुड का संदेश कहे, ब्रदरहुड आपस में रहे, आपस में भाईचारे रहे, यहाँ तक कि रमज़ान के लिए भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं रहा हम लोग जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसका पालन करते रहे तो हो सकता है कि हम ईद उल फित्र जो है वो जिस तरह बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। तो मोहन भागवत भी अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं, और बाहर के देशों में जो हमारे एम्बेसडर्स हैं गल्फ कंट्रीज़ में, वो भी अपील कर रहे हैं कि इस माहौल में भाईचारा बनाया जाए। तो फिर समित पात्रा जी, आप ऐसी नफरतें फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? तो इन तीन टॉपिक्स के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन हो या कुछ पूछना हो तो indian.informative1234@gmail पे ज़रूर पूछें। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।